अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। बस बस बस, हम लेते हैं। वाह, आज खाना इतना बढ़िया बना है कि उंगलियां चाटने की तबीयत हो रही है। पिताजी, और लीजिए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा पिताजी। नहीं, कमो और शामो ने इतना बढ़िया खाना बनाया इसलिए थोड़ा ज्यादा ही खा गया। नहीं नहीं साहब जी, आज खाना हम नहीं बनाए हैं। हम दोनों ने तो हाथ भी नहीं लगाया है। ये खाना तो बहुरानी ने बनाया है। वाह, आज पहली बार मैंने अपनी बहू के हाथ का खाना खाया है। बेटी इधर आओ। बेटी, जब गोविंद की माँ ने पहली बार इस घर में खाना बनाया था तो मेरी माँ ने इस घर की अमानत उन्हें सौंप दी थी। आज वो नहीं है, इसलिए मैं ये अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ। आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये क्या कर रहा है भैया? क्या कर रहा है तू? चोर के हाथ चाबी दे रहा है? प्रेम, जानता नहीं ये मेरी बहू है? अंकल, ये बहू नहीं, ये फ्रॉड है। ए, बकवास बंद कर। देखो, मेरी बहन के बारे में ऐसा मत बोल। ये मेरी बीवी है। बाद में ब्रदर, पहले ये अपुन का वाइफ है। ए, अगर एक शब्द भी और कहा मेरी बीवी के बारे में तो जान से मार दूंगा। तू हट जा बेटे, मुझे बात करने दे। क्या सबूत है तेरे पास? भैया, मेरे सबूत है तभी तो तुम्हारे पास आए। बेटे, सबूत लाओ। क्या है इसमें? इसी कैसर में सारे सबूत हैं, अपनी आंखों से देख लो। वो तो देखूंगा ही। बेटा, बंद क्यों कर दिया? आगे देखो ना, सुहागरात नहीं देखोगे? देखिए, ये सब झूठ है। निकल जाओ मेरे घर से। देखा, तूने अपुन को छोड़ा, कैसा स्नेह पड़ा है? अरे, अपुन अब भी तेरे से लव करता है। हाँ, चल चल अपुन के साथ, चल चल। कमीने, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। अपुन ने तेरे थप्पड़ का बुरा नहीं माना, हाँ? अभी तो गुस्से में है, अभी अपुन जाता है, लेकिन अपुन फिर आएगा। अगर तू नहीं आए तो। भैया, खड़े खड़े क्या सोच रहा है? अभी अभी तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से। ये लड़की डायन है, बर्बाद करने आई थी तुम्हें, बर्बाद। हाँ अंकल, निकाल बाहर कर दीजिए इसे। पिताजी, मैं बिल्कुल। खबरदार, जो मुझे पिताजी कहा तो। मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। नहीं। अपना सामान उठा और निकल जाए यहाँ से। We'll be right back.
एक है बहना, कहाँ जा रही हो? भैया मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और वापस नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? आप मेरे लिए इस घर में बचा ही क्या है, मेरा तो काम भी छूट गया। नहीं बहना, तो नहीं जा सकती। जो हो गया सो हो गया, आप जिद मत कीजिए और मुझे जाने दीजिए। अरे मैंने तो सुना है औरत सब्र का दरिया होती है, अगर वो प्यार की मूर्त है तो दुर्गा और काली भी है। हौसला रख बहना, हौसला रख, चीन कमीनों ने तुम्हारी जिंदगी तबाह की है। मैं उनके चेहरे से झूठ और मक्कारी का नकाब निकाल के ही रहूंगा। आंसू पोंछ दे बहना। अरे यहाँ क्यों फोन किया बेवकूफ? क्या करता, तुमको हर जगह ट्रेस किया पर तुम किधर भी नहीं मिला है, इसलिए इधर फोन करना पड़ा मेरे को। ऐसी कौन सी आफत आ गई? अरे वो डेविड को पैसा आजिच मांगता है। आज क्या? हाँ उसको आज का आजिच मांगता है पैसा बाबा। इतनी बड़ी रकम मैं आज के आज कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से इंतजाम करूंगा? वो मेरे को नहीं मालूम। हाँ डेविड ने जैसा बोलने को बोला अपुन ने बोल दिया, समझाना। और उसने ये भी बोला अगर आजिच उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो सीधा बजाज के पास पहुँच जाएगा है, और वीडियो कैसेट का अखर आज उसको बता देगा। अच्छा ठीक है ठीक है, तो एक काम कर, मुझे शाम को चाय बार में मिलना, इस मुश्किल का हाल हम वही निकालेंगे। ओके हरिओम। ब्रदर तुम इतना परेशान काय को होता है? हा? अरे क्या करूं मैं, हाँ क्या करूं टोनी, अभी तक तो मेरी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, एक बार शादी हो जाए रोकड़ा दे दूंगा। अरे माय डियर ब्रदर वो नहीं मानता है, उसको अर्जेंट मांगता है, अर्जेंट। अरे तुम डेविड को नहीं जानता मैन, वो एक नंबर का हरामी आदमी है। हा? उसने कल तक का टाइम दिया हुआ है, बोलता है कल शाम तक अगर 10 लाख रुपया नहीं पहुंचा तो बजाज के पास पहुंच जाएगा। नहीं टोनी ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम एक काम करो, तुझे 10 लाख रुपए मेरे खाते में से दे दो, 40 लाख रुपए मैंने तुमसे पहले लिए हैं, अब 50 लाख रुपए तुम्हें देना रहेगा मेरा। आइए आइए डेविड, आइए आइए। डेविड डेविड क्या हाल है डेविड? वेरी फाइन डेविड, वेरी फाइन। भाई कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। जस्ट यस यस डेविड, कमाल कर दिया तुमने यार, कमाल। मेरी बेटी के रास्ते का कांटा जिस तरह से तुमने निकाला है ना, जो चाल तुमने चली है ना, कमाल कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी यार डेविड। ये अपुन किधर जा रहे ले ब्रदर? अपने अजीज दोस्त को एक खूबसूरत चीज दिखाने हैं, तो देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। सच बता क्या है? बता। किसी का चेहरा बदलकर दूसरे की हालत खराब कर देता है, अब मैं तेरा चेहरा बदलकर तेरी हालत खराब कर दूंगा। बता। नहीं, 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 नहीं गंगुआ, वो ऐसे नहीं बताएगा, उसे तो नहलाना पड़ेगा। छोड़ दो छोड़ दो, बताता हूँ बताता हूँ, बताऊंगा ना बताऊंगा। ये क्या कर रहा है? ला गंगुआ लाइटर दे। अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, बता दे बता दे। ए तू यहाँ क्या कर रही है? टोनी ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, तू एक काम कर, तू इसे रोक, मैं डेविड को माल देकर आता हूँ। ओके शीतल 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 रुक जा। कुछ गड़बड़ है, रे वो फालतू कहाँ गया? मुझे तो लगता है कि फार्म हाउस पर गया होगा मुन्ना बाबा के पास। अरे
बेटी तू इतना जल्दी आ गया? मेरा मन नहीं लग रहा था पिताजी। कैसा मन लगेगा, तेरे दिल में वो बदमाश शीतल समाई हुई है। तुम यहाँ क्या करने आई हो शीतल? कुछ कहने आए हो दयालु? अरे ये तो फालतू की आवाज़। मैं शीतल नहीं, फालतू। फालतू? फालतू? अरे क्या हुआ? फालतू? फालतू? दयालु, शीतल, शीतल बेकसूर है, उसका कोई दोष नहीं है। यकीन नहीं आता तो ये सुन लो। ये सब अपुन ने प्रेम और टोनी के कहने से किया था। अपुन ने टोनी और शीतल की शादी की झूठी वीडियो कैसेट बनाया था। उस कैसेट में एक लड़की के चेहरे पे शीतल का मास्क पहनाकर ट्रिक फोटोग्राफी के जरिए तैयार किया था। इसके बदले में मुझे 10 लाख रुपए देने का वादा किया था प्रेम और टोनी ने। शीतल, शीतल बेकसूर है, उसे वापस घर ले आना। हाँ फालतू, मैं ले आऊंगा उसे वापस। फालतू दयालु, मेरी माँ मुझे फालतू समझकर मंदिर मंदिर में छोड़ के गई थी। अब मैं ऊपर जाकर उसे उसे कहूंगा कि मैं काम फालतू फालतू। ये लड़की कहाँ गायब हो गई? इसे तो हमारी नाक में दम कर रखा है। सारी राज टॉनी उसी के पास है। अब ये नहीं मिली ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फोन। हाँ रानी बोल। डैडी सब गड़बड़ हो गई, सारे प्लान पर पानी भर गया। क्या हुआ? डैडी जिसको आपने शीतल समझकर गोली मारी वो शीतल नहीं थी, वो फालतू था, गोविंदा का दोस्त। क्या? हाँ डैडी मैं ठीक ही कह रही हूँ, मैंने सब अपनी आँखों से देखा है। फालतू ने शीतल का मास्क पहना था और उन्होंने ये सब गोविंदा और बजाज की आंखें खोलने के लिए किया था। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा, उन्होंने डेविड की आवाज भी रिकॉर्ड की है, उसमें डेविड ने सब कुछ उगल दिया है। यू डोंट वरी रानी, तू अपना ख्याल रख, मैं सब इंतजाम करता हूँ, सब इंतजाम करता हूँ। टेक केयर। अंकल टॉनी, बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब हमें अपनी असलियत पर उतना ही पड़ेगा। ठीक कहते हो ब्रदर, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। गुड टॉनी, वेरी गुड। हेलो। हेलो, मैं आपका पुराना दोस्त विश्वास पात्र अजीज मित्र बोल रहा हूँ। अरे तू दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है कमीने। हम तो पैदाइशी कमीने हैं बजाज साहब, ये तो गलती तुम्हारी है कि इतने सालों में हमें नहीं जान सके। खैर अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो इतना समझ लो कि जायदाद के लिए हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हम इतना जानते हैं कि तुम्हारी जान फंसी है तुम्हारे बेटे में और तुम्हारे बेटे की जान फंसी है शीतल में। ऑल फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारी बहू और उसका छोटा भाई मेरे कब्जे में। अगर तुम चाहते हो उन्हें सही सलामत तो आके छुड़ा के ले जा। हाँ चलाकी और होशियारी कुछ मत करना, नहीं तो समझ लेना हम किस हद तक और गिर सकते हैं। पता बोल, मैं आता हूँ। 35 साल की वफादारी का सिरा दे रहा हूँ टॉनी। कागज। हाँ साइन करो। क्या है ये? ये मामूली से कागजात हैं। इसमें लिखा है कि तुम अपनी पूरी जायदाद, पूरी दौलत अपने इकलौते दोस्त, परम दोस्त, बड़े अच्छे गहरे दोस्त के नाम कर रहे हो। साइन कर दो, अपनी बहू और छोटे भाई को ले जाओ। अगर मैं साइन करने से इनकार कर दूं तो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी बहू और उसका भाई बेमौत मारे जाएंगे। वो देखो। खुरदार इतनी जल्दी ना करो, वक्त जाया ना करो, वक्त की नजाकत को समझो बजाज, वक्त की नजाकत को समझो। तलवार की तेज धार
तुम्हारे बहू के पांव को काट सकती है और वो गिर सकती है। कमो कमो चल चल क्या जल्दी मादर भगत प्रेम, अगर तुमने शीतला और उसके भाई को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बेटी के सर में इतना लोहा भर दूंगा ना कि पोस्टमार्टम में लोहा ही लोहा नजर आएगा। नहीं बजाज, मेरी बेटी को कुछ मत करना। मेरी एक ही बेटी है, एक ही बेटी है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, तुम सब कुछ सबको ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना। अरे मादर भगत, अभी मान आना तू ये। नहीं, मैं तुम्हारे पाप पढ़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाप पढ़ता हूँ। मेरे भाई प्लीज, मेरी बेटी को, मेरी बेटी को। चल देख रहा तुम मेरी बेटी को, तुमने ऐसा किया मेरी बेटी को। ओ मेरी बच्ची, मजाज मैं बहुत कमीना हूं। दौलत के लिए मैं अपनी मां का गला भी काट सकता हूं, फिर ये तो मेरी नाजायज औलाद थी, नाजायज औलाद। चल सीधा साइन कर। क्या होगा? ये कौन है? कमो ये कब से पीछे पड़ा है? अरे तेरा कुछ नहीं होगा, तू जा यहां से, जा जा।
सब लाइन में खड़े हो जाओ। बहुत होगी नौटंकी, तुम्हारी बहू को गोली मार दूंगा बजाज। कमो, क्या हुआ? क्या हुआ? हे भगवान, आखिर मेरा सपना पूरा हुआ।